घर में बनाई गई पहली रोटी हम क्यों नहीं खाते हैं? देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में हमें बचपन से सिखाया गया है कि पशु पक्षियों को अन्न खिलाने की बड़ी महत्ता है। कबूतरों को बाजरा खिलाने से घर में सुख शांति आती है और परिवार धन दाने से परिपूर्ण हो जाता है। गाय को लेकर भी हिंदू धर्म में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि घर में बनी पहली रोटी को गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक खाना बनाते वक्त हमेशा पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए, इसके बाद ही परिवार के बाकी लोगों के लिए रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ी हल्दी भी मिला लें और इससे गाय को रोटी खिलाने से अपार फल मिलता है। गुरुवार को आटे की लोई में हल्दी मिलाकर भी गाय को खिलाने से जीवन में शुभता और वैभव हासिल होता है। और आपको पता ही है कि गौ माता जो कुछ भी देती है वो हमारे सबके जीवन के लिए श्रेष्ठ है। और साथ में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गाय के चरण स्पर्श करने से, गाय के माथे को स्पर्श करने से, काउ कर्लिंग आपको पता ही है कि गाय को स्पर्श करने से आपकी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाती है। इसलिए गाय को रोटी दें, थोड़ा माथे पर सहलाइए, आनंद मिलेगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इसीलिए रोज एक रोटी गाय को खिलानी चाहिए, इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति की हर मुराद पूरी होती है और इससे व्यक्ति के परिवार में खुशियों का वास होता है। कई जाने अनजाने के कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं, इसीलिए आज आप इस काम को जरूर शुरू करें।